गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। मेटल कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए दो पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट इज थर्मोडायनेमिक पैरामीटर एंड सेकेंड इज काइनेटिक एस्पेक्ट और काइनेटिक पैरामीटर। जो इसमें स्टेबिलिटी होती है किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स की, उसका जो ब्रॉड सेंस में मीनिंग निकलता है वो यही होता है कि स्टेबिलिटी का मतलब यही है कि वो कंपाउंड एग्जिस्ट करे और सूटेबल कंडीशंस में हम उसको फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्टोर कर सकें। तो ये जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है या स्टेबिलिटी की डेफिनेशन है। अब इस स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के दो पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट इज थर्मोडायनेमिक एंड सेकेंड इज काइनेटिक। काइनेटिक स्टेबिलिटी को हम फर्दर क्लासेस में कवर करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस इन डिटेल रिगार्डिंग थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। इन दोनों में मैं एक ब्रॉड डिफरेंस अभी बता देती हूँ। कोई भी कॉम्प्लेक्स जब बनता है, फॉर एग्जांपल हम कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले लें, फॉर एग्जांपल ML6। ML6 के बनने तक, बिफोर फॉर्मेशन एंड जब तक इसकी फॉर्मेशन होती है, उस टाइम तक जो स्टेबिलिटी हम देखते हैं वो देखते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। इसके बनने के बाद, आफ्टर इट्स फॉर्मेशन ये कैसे बिहेव करता है इन प्रेजेंस ऑफ अदर लिगेंड, क्या ये उन लिगेंड्स से अपने कुछ लिगेंड को सब्स्टिट्यूट करवा पाता है, क्या ये कोई रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो जो रिएक्शन वाला एस्पेक्ट है वो काइनेटिक स्टेबिलिटी में होता है, और फॉर्मेशन की बनते वक्त क्या ये स्टेबल बन रहा है, इसके डिसोसिएशन इसका डिसोसिएशन है वो किस तरीके से है कि ML6 बना लेकिन तभी डिसोसिएट हो गया, इसका मतलब ML6 जो बना वो स्टेबल नहीं बना। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इज़ रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स, और काइनेटिक स्टेबिलिटी होती है उसका बिहेवियर आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, कि वो किस टाइप की रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, क्या कोई रिएक्शन कंडक्ट होती है उसके ऊपर या नहीं होती। तो जो काइनेटिक एस्पेक्ट है वो बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को हम जो एक्सप्रेशन इसके लिए यूज़ करते हैं, इट इज़ डिफाइंड अकॉर्डिंग टू KS, विच इज़ एन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, और इट इज़ नोन एज स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट। अब हम कोई रिएक्शन ले लेते हैं इसको डिफाइन करने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ टेट्रामीन कॉपर आयन कैसे बनता है, Cu+2+4 ammonia results in a formation of copper and ammonia complex। यहाँ अगर हम इसके लिए स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट को एक्सप्रेस करते हैं तो इट विल बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ KS इक्वल टू प्रोडक्ट साइड कंसेंट्रेशन रेज टू द स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशियंट 1 है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड कंसेंट्रेशन टर्म्स Cu+2 एंड अमोनिया रेज टू द पावर 4। यहाँ जो KS वैल्यू है इट वॉज फाउंड टू बी अराउंड 4.5 into 10 raised to the power 21। जब इसको सोल्व किया गया अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस ये वैल्यू मिली। नाउ वी विल सी अनदर फॉर्मेशन ऑफ मेटल आयन कॉम्प्लेक्स विथ CN नेगेटिव आयन। उस केस में देखते हैं KS वैल्यू क्या होती है। वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ कॉपर विथ साइनाइड आयन। So the reaction will be like Cu+2+4 CN- resulting in Cu CN4, overall charge is -2। यहाँ जो KS value है वो लिखी जाएगी इस format में, product side concentration and डिनोमिनेटर में आएगा रिएक्टेंट साइड कंसेंट्रेशन। तो जो यहाँ हमें KS की वैल्यू मिली इट वॉज़ अराउंड
2.0 × 10^27. रिमेंबर, जब अमोनिया के साथ कॉपर का कॉम्प्लेक्स बन रहा था उस केस में जो पावर थी, लेट इट बी के एस डैश, इट वॉज 4.5 × 10^21. ये अभी मैंने बताया था यहाँ पे, ये रहा। तो आप ये देखिए, इसके टर्म में है 10^27 और ये है इन केस ऑफ CU अमोनिया कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ओवरऑल चार्ज वॉज +2 एंड दिस इज फॉर CN4 कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ओवरऑल चार्ज इज -2। सीइंग दिस कॉन्फ़िगरेशंस वी कैन कंक्लूड दैट क्योंकि Ks वैल्यू फॉर CN कॉम्प्लेक्स इज हायर, ये 10^27 है, ये सिर्फ 10^21 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एज के एस इज ग्रेटर देन के एस डैश, ये सी एन के लिए है और ये अमोनिया के लिए है, इसका मतलब जो सी एन है एज कंपेयर टू अमोनिया इफेक्टिवली मेटल के साथ बाइंड करता है, बाइंड्स टू मेटल इफेक्टिवली एज कंपेयर टू अमोनिया, एज कंपेयर टू अमोनिया, ये किसके लिए था, फॉर सी एन नेगेटिव, दैट इज कॉपर का जो सी एन फोर कॉम्प्लेक्स है इज हेयर एज स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट वैल्यू फॉर सी एन कॉम्प्लेक्स इज हायर देन अमोनिया कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब यही है कि जो कॉपर का सी एन फोर टू माइनस ये जो कॉम्प्लेक्स है, इट इज़ मोर स्टेबल देन कॉपर अमोनिया कॉम्प्लेक्स। तो इससे हमारा जो कंक्लूज़न है वो क्या निकलता है, कंक्लूज़न ये निकला कि जब के एस वैल्यू स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट वैल्यू किसी कॉम्प्लेक्स के लिए ज़्यादा होगी, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स के लिए, तो वो जो कॉम्प्लेक्स है दैट विल बी स्टेबल और वहाँ जो लिगेंड प्रेजेंट है वो क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। ये जो स्टेबिलिटी है जो केएस ने बताई है, ये स्टेबिलिटी है थर्मोडायनेमिक। तो जो थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट है स्टेबिलिटी का, इट इज़ डिफाइंड यूजिंग स्टेबिलिटी कांस्टेंट। हमने दो कॉम्प्लेक्सेस को इसमें कंपेयर किया, उनकी केएस वैल्यू देखी और उन केएस वैल्यू को देखने के बाद हमने कंक्लूजन दिया कि सी एन नेगेटिव जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है कॉपर के साथ, इट इज़ मोर स्टेबल देन एज कंपेयर टू अमोनिया वन। नाउ सेकेंड थिंग जो मैंने यहाँ लिखी थी कि दिस इज़ चेक्ड यूजिंग डिसोसिएशन पाथवेज, दिस मीन्स जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है इसको हम चेक करते हैं यूजिंग डिसोसिएशन पाथवेज। अब अगर कन्वर्सली मैं इसके लिए इसका डिसोसिएशन पाथवे लिखूंगी, तो डिसोसिएशन पाथवे होगा CU अमोनिया 4 2+ अंडरगोइंग डिसोसिएशन टू गिव CU +2+4 अमोनिया। तो जो ये डिसोसिएशन पाथवे है, लेट इट बी KD, इट इज़ इनवर्स ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अगर डिसोसिएशन ज़्यादा है, डिसोसिएशन ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है या ईजिली हो रहा है, तो वो कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा। तो स्टेबिलिटी, इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट अगर ज़्यादा है तो उस कंपाउंड की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है और उसकी डिसोसिएशन जो लिमिट है वो कम है। तो हम इसको कंक्लूड करेंगे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को इन टू पैरामीटर्स विच आर, फर्स्ट वन इज़ के एस एंड सेकेंड इज़
के डी विच इज़ इनवर्स ऑफ के एस. अगर के एस ज़्यादा है तो वो कंपाउंड भी थर्मोडायनेमिक स्टेबल होगा. अगर के डी ज़्यादा है, उस कंपाउंड की डिसोसिएशन ज़्यादा है, डिसोसिएशन एक्सटेंट ज़्यादा है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, विल बी लो. दिस कैन बी चेक यूजिंग फॉलोइंग इक्वेशन. जो सी यू अमोनिया 4 कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थी, उसके लिए जो हमारा स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट था, इट वॉज अराउंड 4.5 × 10^21. अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, विच इज़ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, इट इज़ इक्वल टू 1/Ks. तो ये वैल्यू आई अराउंड 2.22 × 10^-22. ये माइनस की फॉर्म में है, मीन्स वेरी वेरी लो. इट शोज दैट इन केस ऑफ सी यू अमोनिया कॉम्प्लेक्स, के डी इज वेरी लो एज कंपेयर टू के एस. दैट इज, दिस कॉम्प्लेक्स इज हाईली स्टेबल, डज नॉट डिसोसिएट ईजली, So here we have completed thermodynamic stability. Second class regarding this topic will be related to kinetic stability. So please do check that video. The link will be provided in the description box. Thank you.